फरमाया गया कि महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तलले की चौखट पर एक गरीब मोची बैठा करता था जो कि मुसलमान नहीं था। उस मोची की यह आदत थी, जब सुबह सवेरे वो बारगाहे महबूबे इलाही में हाजिर होता तो सबसे पहले आपकी मजार मुकद्दस पर जाकर आपकी बारगाह में सलाम पेश करता था और उसके बाद वो बाहर आकर चौखट पर बैठ जाता और दिन भर वहां आने जाने वाले जायरीन के जूतों और चप्पलों की मरम्मत किया करता था। यही उसका जरिए माश था। उस मोची की आदत थी, सुबह जब वो आता तो महबूब इलाही की बारगाह में जाकर सलाम पेश करता और शाम के वक्त जब अपने घर जाने लगता तो फिर दोबारा महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर होता, सलाम करता और उसके बाद कहता कि आज हुजूर मैंने दो आने कमाई हैं, आज मैंने चार आने कमाई हैं, आज गुरुवार का दिन था, आज जायरीन ज्यादा थे, आज मैंने दो रुपए कमा लिए हैं। इस तरह से रोजाना सुबह आता तो सलाम पेश करता और शाम घर जाने से पहले आकर पूरा हिसाब देता और उसके बाद घर जाया करता था। फरमाया गया कि दिल्ली में एक अमीर आदमी रहता था। एक मरतबा वो महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ और यूं अर्ज करने लगा, हुजूर मेरा फला काम काफी दिनों से अटका हुआ है, अगर आपकी दुआओं की बरकत से मेरा वो काम बन गया तो मैं वादा करता हूँ आपकी बारगाह में बैठने वाले तमाम मंगतों को और आपकी चौखट पर आने वाले तमाम जायरीन को मैं अपनी तरफ से खीर बनाकर खिलाऊंगा। उसने महबूब इलाही की बारगाह में ये मन्नत मांग ली। चंद दिनों के बाद उसका वो काम बन गया। अब अपनी मन्नत को पूरा करने का वक्त आया था। उसने नमाज़े फजर के बाद खीर तैयार की, बारगाहे महबूब इलाही में हाजिर हुआ, फातिहा किया और वहां आने वाले तमाम जायरीन और मंगतों के दरमियान वो खीर तकसीम कर दी गई। उसके बाद वो अमीर आदमी वहां से चला गया। कुछ देर के बाद जब वो मोची वहां पर पहुंचा तो लोगों ने उससे कहा, अगर थोड़ी देर पहले आ जाता तो तुझे भी खाने को खीर मिलती, तू थोड़ा ताखिर से पहुंचा, इस वजह से तुझे खीर नहीं मिल सकी। जब मोची ने यह सुना, बारगाहे महबूब इलाही में हाजिर हुआ, अदब से सलाम किया और सलाम करने के बाद चौखट पर आकर बैठा, दिन भर अपना काम करता रहा। उसके बाद जो कुछ भी उसने कमाया अपनी आदत के मुताबिक महबूब इलाही की बारगाह में शाम को हाजिर हुआ। उसने कहा, हुजूर आज दो आने का धंधा हुआ है, यानी आज मैंने दिन भर मेहनत करके दो आने कमाए हैं, लेकिन वो खीर जो सबको बांटी गई वो खीर मुझे नहीं मिली। ये कहकर वो मोची वहां से चला गया। रात जब वो अमीर आदमी अपने घर के कमरे में सो रहा था, उसके ख्वाब में महबूब इलाही तशरीफ लाते हैं और आपने फरमाया, तूने अपनी मन्नत को पूरा किया, तूने सबको खीर खिला दिया, लेकिन हमारे आदमी को खीर नहीं मिली। अल्लाह अकबर। जब उसने ये ख्वाब देखा, सुबह उसकी आंख खुली, उसने फौरन दोबारा तैयारी की और दोबारा खीर बनवाकर महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ। फजर की नमाज के बाद वहां मौजूद तमाम लोगों में खीर तकसीम कर दी गई। वो वहां से चला गया। जब अपने वक्त पर वो मोची दोबारा हाजिर हुआ, लोगों ने कहा, खीर तो आज भी बांटी गई, लेकिन आज भी तू देर से आया, इस वजह से तुझे खीर नहीं मिली। अल्लाह अकबर। वो महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम किया, चौखट पर आकर बैठा, दिन भर अपना काम करता रहा। शाम के वक्त महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा, हुजूर आज तीन आने का धंधा हुआ है, आज मैंने दिन भर मेहनत करके तीन आने कमाए हैं, लेकिन आज भी हमें खीर नहीं मिली। अल्लाह अकबर। वो चला गया। फरमाया गया कि उस अमीर आदमी के ख्वाब में फिर से महबूब इलाही तशरीफ लाते हैं। आपने फरमाया, आज तूने फिर से लोगों में खीर तकसीम की, लेकिन आज भी हमारे आदमी को खीर नहीं मिली। इस तरह से तकरीबन तीन मरतबा हुआ। वो अमीर आदमी महबूब इलाही को ख्वाब में देखता, खीर बनवाता, लाकर लोगों में तकसीम कर देता, मोची को खीर न मिलती और फिर वो महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर होकर शिकायत करता, हुजूर आज भी हमको खीर नहीं मिली। और महबूब इलाही फिर ख्वाब में आकर उस अमीर आदमी से फरमाते, आज भी हमारे आदमी को खीर नहीं मिली। जब तीन मरतबा ऐसा हो गया तो आखिरकार उस शख्स ने सोचा, कौन ऐसा आदमी है जिसको खीर नहीं मिल पाती है? वो नमाज़े फजर के बाद खीर तैयार करके लाता है, लाकर लोगों में तकसीम करता है और वहीं बैठा इंतजार करता है कि कौन ऐसा शख्स है जिसको खीर नहीं मिल रही। आखिरकार अपने वक्त और मामूल के मुताबिक वो
मोची आता है, बारगाहे महबूब इलाही में जाकर सलाम करता है और फिर आकर चौखट पर बैठ जाता है। उस अमीर आदमी की नजर पड़ती है, ये मोची अभी अभी आकर यहाँ बैठा है। फौरन उसने हुक्म दिया, इसे भी खीर खिलाई जाए। उस मोची ने खीर पेट भर के खाया। उसके बाद महबूब इलाही की बारगाह में शाम को हाजिर हुआ, सलाम पेश करता है, दिन भर का सारा हिसाब देता है और उसके बाद कहता है कि हुजूर आज हमको खीर खाने को मिल गई। अल्लाह अकबर। महबूब इलाही उस अमीर आदमी के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। आप फरमाते हैं कि आज तूने हमारे आदमी को भी खीर खिला दिया, अल्लाह तुझे जजाए खैर अता फरमाए। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम आप जरा देखें ये कितना ईमान अफरोज वाकया है। महबूब इलाही की चौखट पर जो बैठता था वो गरीब था, मोची था, मुसलमान भी नहीं था, महबूब इलाही का मुरीद भी नहीं था, लेकिन महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर होकर फरियाद की कि मुझे खीर नहीं मिली। महबूब इलाही ने उस अमीर आदमी को बार बार इस बात का हुक्म दिया कि उस गरीब मोची को खीर खिलाओ, ले जाकर उस तक खीर पहुंचाओ, और जब तक उसने खीर नहीं खाया तब तक महबूब इलाही उस शख्स के ख्वाब में बार बार तशरीफ लाती रहे। नाज़रीन इकराम यहाँ मालूम हुआ अल्लाह के जो नबी होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, अल्लाह के जो बरगुजीदा बंदे होते हैं, वो अपनी चौखट पर बैठने वाले मंगतों को भी पहचानते हैं, उनकी आवाजें सुनते भी हैं, उन्हें जवाब देते भी हैं, उनकी मदद भी फरमाते हैं। जब महबूब इलाही की ये शान है तो जो महबूब परवरदिगार हैं, जो अल्लाह के हबीब हैं, जिनके सदके में रब ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, क्या बताइए वो अपने उम्मतियों की फरियाद को नहीं सुनते होंगे, उन्हें जानते पहचानते नहीं होंगे। अल्लाह का वली जब इतना साहिब इख्तियार होता है तो अल्लाह के नबी या अल्लाह के नबियों के इमाम, इमामुल अंबिया की शान क्या होगी। इसलिए किसी शायर ने बहुत खूब कहा, जब उनके गदा भर देती है शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देती है शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह